डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्क्लेपियडेसी। बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है बीएससी के आपके कोर्स के हिसाब से। एस्क्लेपियडेसी जो है वो कैलोड्रॉपिस फैमिली भी कहलाती है, एस्केप्लियास और मिल्क वीड फैमिली के नाम से भी ये जानी जाती है। बैंथम हुकर के सिस्टमेटिक पोजीशन के अकॉर्डिंग एंजियोस्पर्मी डिवीज़न को बिलोंग करती है। इसका जो सब डिवीज़न है वो डाइकोटिलेडनी है और इसकी जो क्लास है वो गैमोपिटेली है। हमने हमारे जो इना पहला वाला वीडियो था उस पर हमने मालवेसी फैमिली पढ़ी थी जो कि पॉलीपिटेल्स को बिलोंग करती है। पॉलीपिटेली का मतलब होता है जहाँ पे पेटल्स आर फ्री, वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं। जबकि गैमो जहाँ वर्ड आता है उसका मतलब होता है फ्यूज़, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इस फैमिली के अंदर जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं, इसीलिए ये क्लास गैमोपेटली के अंदर है। इसकी जो सीरीज़ है वो बाईकार्पलेटी है। बाईकार्पलेटी है मतलब इसके अंदर इस सीरीज़ में आने वाले जितने भी फैमिलीज़ हैं उन सब के अंदर जो कार्पल्स होंगे उनकी संख्या हमेशा दो ही होगी। जबकि जो मालवेसी फैमिली हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि दो से लेकर के मल्टी कार्पलरी टू मल्टी कार्पलरी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कार्पल्स की संख्या हमेशा दो ही रहेगी, यानी गाइनोशियम दो ही कार्पल से बना होगा। ऑर्डर जो है वो जेंशियनेल्स जो है उसको बिलोंग करती है। इस फैमिली के जो डायग्नोस्टिक फीचर है या फिर हम कह सकते हैं सीलियन फीचर्स जो है जिनकी वजह से ये फैमिली पहचानी जाती है कि इसके जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो श्रब होते हैं या फिर क्लाइंबर्स होते हैं वुडी। हर्ब्स इसमें बहुत कम पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर, और जो प्लांट है उसके मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है उसके अंदर लेटेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो फैमिली होती है एस्क्लेपियडेसी, ये फैमिली पेट्रोक्रॉप के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसमें लेटेक्स जो होता है वो एक्चुअली कैलोट्रॉपिस वगैरह जितनी भी फैमिली है, एपोसाइनेसी है, यूफोरबिएसी है, इनमें लेटेक्स मिलता है और इनसे जो है वो बायोडीजल भी बनाया जाता है। इनके जो स्टेम होते हैं इनके में बाइकोलिट्रल बंडल्स की प्रेजेंस होती है और लीफ सिंपल होती है, ऑपोजिट डेक के सेट है। मतलब एक हमारी जो पर्व संधि है उस पर दोनों तरफ जो है वो लीव्स होंगी और उससे ऊपर और उससे जो नीचे वाली जो लीव्स है उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के राइट एंगल पे होगा। मैं जब आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगी फ्लावर के साथ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ रहे हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसमें साइमोस टाइप का होता है और फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है। ये हमारे इसके अंदर जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर पाई जाती है और जो कि इसमें स्टिग्मा जो होती है, मतलब जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो होता है मोर ऑर लेस इससे इसके अंदर जुड़ा हुआ पाया जाता है, इसलिए इसमें गाइनोस्टीजियम का निर्माण होता है, यानी इसमें गाइनोस्टीजियम पाया जाता है और एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है ट्रांसलेटर एपरेटस वो भी इसमें पाए जाते हैं इस फैमिली के अंदर। ये डायग्राम है कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा का जिसमें आप देख रहे हैं पर्पल कलर की आपको पांच जो है वो पेटल्स नज़र आ रहे हैं, बीच में आपको जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है जो कि पेंटा एंगुलर है, इसके पांच कोण हैं जो कि कहलाता है हमारे गाइनोस्टीजियम। ये जो गाइनोस्टीजियम है अगर इसके कोनों के अंदर ये जो कोने कॉर्नर्स हैं अगर हम इसके अंदर नीडल को जो है वो अगर हम नीडल डालते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और हम नीडल इसमें इंसर्ट करते हैं तो इसके अंदर हमारे जो ट्रांसलेटर एपरेटस है और वी कैन से इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो निकल के बाहर आ जाता है। ये जो है ये जो आपको पर्पल कलर के साइड में गाइनोस्टीजियम के पास दिखाई दे रहे हैं ये कोरोनरी ग्रोथ है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें पाई जाती है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ जो स्टैमन लिखा हुआ है इस स्लाइड के अंदर ये आपका ट्रांसलेटर एपरेटस है और इसमें जो पोलिनिया है इनके अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका थोड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है एस्क्लेपियडेसी की जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं जैसे एस्क्लेपियाज है
और हमारा कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा है, तो इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम इसके स्टेम की बात करें तो वो ऊपर से जो नीचे का जो पोर्शन होता है आपने देखा होगा कैलोट्रॉपिस को भी, तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी वुडी होता है और जो अपर होता है वो इसका हर्बेशियस होता है और सॉलिड होता है। पूरा का पूरा प्लांट जो होता है वो हेयर से कवर्ड होता है और पूरा मतलब हेयरी होता है, आप उसे इजीली हेयर्स को जो है वो निकाल सकते हैं। तो टोमेंटोज होता है यानी इसमें बहुत सघन जो है वो हेयर्स पाए जाते हैं, और अगर किसी भी पार्ट को काटा जाए तो उसके अंदर से हमारे जो है मिल्क यानी लेटेक्स निकलता है। लीफ जो होती है जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो लीफ होती है वो इस जनरली जो है सेमी एम्प्लेक्सिकॉल होती है। सेमी एम्प्लेक्सिकॉल को है कि मतलब उसमें जो है थोड़ा सा पार्ट जो है लीफ का वो स्टेम को घेरे हुए रहता है। एक्स स्टिप्यूलेट होती है, सिंपल होती है एंड ऑपोजिट डेकिसेट होती है, लेदरी होती हैं और इसमें यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस इनका जो है वो एक्सिलरी अम्बिलेट साइम या साइमोस टाइप का इस पर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर जो है उसकी एक्टिनोमॉर्फिक है, आपने पहले भी देखा है कि फ्लावर की जो सिमेट्री है वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है। अगर आप इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो वो टू इक्वल हाफ्स के अंदर बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें कैलिक्स में तो कैलिक्स जो होता है इसके नीचे इस फ्लावर के नीचे बहुत ही आपने देखे होंगे ग्रीन कलर के और वो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, तो पांच जो हैं वो इसमें सेपल होते हैं जो कि बाहर से जुड़े हुए रहते हैं और इम्ब्रिकेट क्विंक्विंशियल टाइप का इनमें जो है एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला जो होता है वो हमारा गैबोपेटलस होता है, फाइव होते हैं और ये बैंगनी कलर के होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो ट्विस्टेड है। अगर हम एंड्रोशियम की बात करें, मोनाडल्फस कंडीशन है, एपी जो है मतलब सबके सब ये जितने भी स्टिग्मा होते हैं ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टिग्मा से जुड़ करके एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ग्रीन कलर का गाइनोस्टीजियम। और इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं दो जो हैं वो पोलिनिया आपको नज़र आ रहे हैं और ये जुड़े हुए रहते हैं हमारे रेटिनेक्यूली द्वारा। ये कॉर्पस्क्यूलम जो ऊपर की तरफ है दो नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्पस्क्यूलम से जुड़े हुए रहते हैं और ये पूरे स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसलेटर कहलाती है। अगर हम इसके बाइकार्पलरी है इसका जो गाइनोशियम है और इसके अंदर स्टिक जो है आंशिक रूप से इसको हम सिनकार्पस भी कह देते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे देखें, अगर हम ऐसे देखें तो दोनों कार्पल सेपरेट है, पर चूंकि इनकी स्टिग्मा जो है वो जुड़ी हुई है इसलिए ये हमारा पार्शियली सिनकार्पस कहलाता है। मार्जिनल इसके अंदर प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसका जो फ्लावर होता है वो फॉलिकल फ्लावर आपको नज़र आ रहा है और इसके जो सीड्स होते हैं वो हेयरी बंच पाए जाते हैं और जो कि एयर के द्वारा जो है इनका ये जो है वो डिस्पर्स होते हैं। इस फैमिली के अंदर ये जो फैमिली है एस्क्लेपेडेसी वो एपोसाइनेसी जो फैमिली है उससे काफ़ी ज़्यादा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप शो करती है, उसकी एफिनिटी शो करती है। और इस फैमिली के अंदर ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जैसे हमारा होया कार्नोस है जिसको कि वैक्स प्लांट के नाम से जाना जाता है वो इसमें प्रेजेंट होता है, वो इसमें मिलता है। दूधी बेल या रबर बेल जिसे बोलते हैं, क्रिप्टोस्टीज या ग्रैंडी फ्लोरा वो भी इसी फैमिली के अंदर मिलती है। कुछ मेडिसिनली इंपॉर्टेंट प्लांट्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि हेमीडेसमस इंडिकस जो प्लांट है इसको भारतीय सहरसा परीला कहा जाता है जो कि ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करती है। इसके अलावा जो हमारा जिमनेमा सिल्वेस्ट्रिस है जिसको कि डायबिटीज़ वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। और कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा है, कैलोट्रॉपिस जाइजेंशिया है, तो ये सारी जो है वो इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट्स जब हम इसके प्रैक्टिकली इस फ्लावर को हम जब मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी तो आपको ये बेटर तरीके से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो इसके ट्रांसलेटर्स को बाहर निकाला जाता है। थैंक यू सो मच।